हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया। टुडे वी विल लर्न अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। एज फॉर एग्जांपल, वह पुस्तक पढ़ रहा था, बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार कर रहा था, जब मैं विद्यालय पहुँचा बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, वह इस कंपनी में काम कर रहा था, किसान फसल काट रहे थे। इट मींस कोई भी हिंदी का वो सेंटेंस जिसके पीछे रहा था, रही थी, रहे थे होता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, मीन्स वो सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप से एंड हो रही है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, दोनों में से किसी एक को हम यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि हमें वाज किस सिचुएशन में यूज़ करना है और वर्ब किस सिचुएशन में यूज़ करना है। तो वाज हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। वर हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। पहला सेंटेंस है हमारा, डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा डूअर है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला है डॉक्टर, द डॉक्टर। डॉक्टर सिंगुलर है तो उसके साथ हमारा लगा वॉस, क्या काम कर रहा है, इलाज करने का, तो इलाज करना को हमने बोला ट्रीट, ट्रीट के साथ लगेगा आई एन जी। द डॉक्टर वॉज ट्रीटिंग, किसको ट्रीट कर रहे थे, पेशेंट को, द डॉक्टर वॉज ट्रीटिंग द पेशेंट। वे सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे, सब्जेक्ट है वे, आ गया दे, दे के अकॉर्डिंग आ गया वर, देखने का काम कर रहे थे, फिल्म देखने का, तो उसको हमने बोला वॉच, वॉच के साथ आई एन जी लगा वॉचिंग, दे वर वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल। हम क्रिकेट खेल रहे थे तो हम के लिए आया वी, वी के साथ आएगा वर, खेलने का काम हो रहा है तो प्ले, प्ले के साथ आई एन जी प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। मैं अपना पार्ट याद कर रहा था, मैं को बोला आई, आई के साथ लगेगा वॉज, लर्न करना, याद करना, लर्न, लर्न के साथ लगा आई एन जी, आई वॉज लर्निंग माई लेसन। पुलिस चोर को पकड़ रही थी, द पुलिस वर कैचिंग द थीफ। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वॉज वर, उसके बाद नॉट लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहे थे, My friends were not writing a letter to me. Subject है मेरे दोस्त, तो my friends. Friends plural है तो वर आ गया, वर के बाद लगा not. लिखने का काम था write, writing a letter to me. मैं बाजार नहीं जा रही थी, मैं, I. I के साथ लगा was, not. जाने का काम हो रहा था तो go, ing. I was not going to the market. वह पतंग नहीं उड़ा रहा था, he के साथ लगा was, not. उड़ाना, fly, ing, flying a kite. He was not flying a kite. प्रधानमंत्री भाषण नहीं दे रहे थे, तो हमारे सब्जेक्ट हैं प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, was not delivering a speech. वह झूठ नहीं बोल रही थी, she के साथ लगेगा was not, बोलना, telling a lie. She was not telling a lie. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, जो ये वॉज वर है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम दिल्ली जा रहे थे, तो तुम है तुम के अकॉर्डिंग आया यू, यू के साथ लगेगा वर, तो वर यू गोइंग टू दिल्ली। क्या तुम होमवर्क कर रहे थे, वर यू डूइंग होमवर्क। क्या तुम पेड़ काट रहे थे, वर यू कटिंग द ट्रीज। क्या मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा था, वॉज आई टीचिंग टू दी स्टूडेंट्स। क्या तुम क्रिकेट मैच देख रहे थे, वर यू वॉचिंग द क्रिकेट मैच। तो ये थे हमारे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इनमें हमें केवल रूल फॉलो करना है कि पहले वॉज या वर लगा देंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम देख लेंगे कि वॉज लगेगा कि वर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा आ जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया और साथ में नहीं भी आया है। सबसे पहले वॉज वर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्या आप उसे पैसे नहीं दे रहे थे, तो आपके लिए यहाँ आया यू, यू के साथ लगेगा वर, वर यू नॉट गिविंग मनी टू
हर क्या वह कल काम पर नहीं जा रहा था? वॉज ही नॉट गोइंग टू वर्क यस्टरडे? क्या तुम बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे थे? वर यू नॉट हेल्पिंग द ओल्ड मैन? क्या बच्चे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे? वर द चिल्ड्रन नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जामिनेशन? क्या धोबी तुम्हारे कपड़े नहीं धो रहा था? वॉज द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग योर क्लोथ्स? तो इन सब्जेक्ट्स इन सेंटेंसेस में हमने देखा, पहले हमें लगाना है वॉज या वर, फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देन ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे क्वेश्चन में रिमेनिंग हो जाता है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन है डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंसेज। डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंसेज वो होते हैं जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड्स को यूज़ करके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला रूल होता है वॉज वर, प्लस सब्जेक्ट नेगेटिव होता है तो नोट लगा देते हैं, अदरवाइज नोट को स्किप कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि वह तुम्हें आमंत्रित क्यों नहीं कर रहा था? तो क्यों के लिए हमारा आ गया वाई। वाई वॉज ही नॉट इन्वाइटिंग यू? वे हमें रास्ता क्यों नहीं बता रहे थे? क्यों, क्यों के लिए आया वाई। वाई वर दे नॉट टेलिंग अस द वे? तुम मुझे पूरा सच क्यों नहीं बता रहे थे? तो क्यों, क्यों के लिए आया वाई। वाई वर यू नॉट टेलिंग मी द होल ट्रुथ? राजेश आपको कल क्या नहीं बता रहा था? तो क्या के लिए आ गया वट। वट वॉज रो वट वॉज राजेश नॉट टेलिंग यू यस्टरडे? कल तुम बस से कहाँ जा रहे थे? कहाँ के लिए आ गया वेयर। वेयर वर यू गोइंग बाय बस यस्टरडे? केवल रूल को फॉलो करना है, रूल को फॉलो करते हुए हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे तो हमारे सेंटेंस बहुत ईजिली फ्रेम हो जाएंगे। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू रहा था। एज फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग हैविली, कि बहुत जोर से बारिश हो रही थी। दे वर डिस्कसिंग देयर प्लान्स ऑल थ्रू द डे, वो अब पूरे दिन अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे। मीन्स ये एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही कुछ टाइम तक चला था, खत्म हो गया था। टू टॉक अबाउट द अर्लियर एक्शन व्हेन टू पास्ट एक्शंस वर डिस्क्राइब, क्या होता है कि दो सिचुएशंस होती हैं, दो पास्ट एक्शंस दिए होते हैं, तो दो टू टॉक अबाउट द अर्लियर एक्शन, जो काम पहले हो रहा था उसको बताने के लिए दो पास्ट एक्शंस में से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिस्कशन कर, जैसे कि I was ironing my uniform when the doorbell rang, कि मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी जब doorbell बजी, मतलब पहले काम हो रहा था ironing करने का और फिर उसके बाद doorbell बजी। She was getting ready when the guest arrived, वो ready हो रही थी जब guest आए। Means जब हम दो past actions की बात कर रहे होते हैं, जो past action पहले हो रहा होता है उसके लिए हमने past continuous tense का use किया और दूसरा के लिए हमने past indefinite tense use किया। यहाँ पर हमें कुछ कीवर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि when, at that moment, in the meantime, while, इस तरीके से कुछ वर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि when के बाद जो है पास्ट सिंपल आता है जो शॉर्ट एक्शन को शो करता है, जैसे कि when the phone rang, she was eating। अब when the phone rang, जो फोन rang हुआ वो एक शॉर्ट एक्शन था और उसको हमने सिंपल पास्ट टेंस में लिखा, रैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है। शी वॉज ईटिंग, अब ईटिंग जो है एक लंबा प्रोसेस है तो वो काम बाद में है। अब वाइल के साथ जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है जो कि एक लॉन्ग एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि वाइल शी वॉज ईटिंग, जिस समय वो खाना खा रही थी, द फोन रैंग, फोन बजा। वैन के बाद सिंपल पास्ट आएगा, वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। आई होप बच्चों आपको आज का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे हिंदी टू इंग्लिश हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे वो सीखा होगा, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किन किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।